सो वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं आपके लेके आया हूँ एडोब इनडिजाइन के टॉप 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने फोटोशॉप कोरल ड्रॉ के ऑलरेडी एमसीक्यूज की जो वीडियोस हैं वो ऑनलाइन डाल रखी हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ पे इन वीडियोज़ को आप लोग देखें, जिससे कि आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग का जो प्रॉपर पैकेज है वो आप लोग इसके क्वेश्चंस वगैरह पढ़ सकें। तो चलिए बिना देरी कि स्टार्ट करते हैं एडोब इनडिजाइन के टॉप 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सो फर्स्ट आता है इसका, डैश नंबर ऑफ स्क्रीन मोड आर प्रेजेंट इन इनडिजाइन। इनडिजाइन के अंदर कितने टाइप्स के स्क्रीन मोड्स होते हैं? सो कितने होते हैं? बेसिकली 5 टाइप्स के होते हैं। तो करेक्ट आंसर इज 5। सेकेंड है, फोन साइज इज मेजर इन इनडिजाइन, यानी कि इनडिजाइन के अंदर जो हम फोन साइज लिखते हैं उसको किस चीज के अंदर मेजरमेंट किया जाता है? पॉइंट्स के अंदर। ओके, नेक्स्ट, डैश टूल इज यूज टू स्क्यू और रिपोजिशन ऑब्जेक्ट इन इनडिजाइन, यानी इनडिजाइन के अंदर हम किस ऑप्शन से, किस टूल से जो है किसी भी ऑब्जेक्ट की को रिपोजिशन कर सकते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा सेलेक्शन टूल से हम उसको रिपोजिशनिंग स्क्यू वगैरह कर सकते हैं। द पॉइंट वेयर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रूलर्स इंटरसेक्ट डैश इन डिजाइन, यानी जहाँ पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रूलर इंटरसेक्ट करता है उसको क्या बोलते हैं? जीरो पॉइंट्स, जहां से डैट मीन्स कि वो स्टार्ट होता है। द वाइट एरिया सराउंडिंग द पेज इज कॉल्ड, यानी इन डिजाइन के अंदर जो वाइट एरिया होता है, ब्लैंक स्पेस होता है, उसको क्या बोला जाता है? पेस्ट बोर्ड, जिसमें हम कोई भी वर्क नहीं करते, एक्स्ट्रा एरिया होता है वो। नेक्स्ट, डैश ग्रिड असेंबल रूल नोटबुक पेपर, यानी इन डिजाइन के अंदर जो नोटबुक पेपर टाइप का अगर हमें देना है तो हम किस ग्रिड के थ्रू उसको बेसिकली देते हैं? बेस लाइन ग्रिड के थ्रू आप उसको दे सकते हैं, जस्ट लाइक अ रूल्ड नोटबुक की तरह। डैश आर ट्रांसफॉर्मेशन टूल्स, इनमें से ट्रांसफॉर्मेशन टूल्स का कौन कौन सा पार्ट है? तो रिसाइज भी है, रोटेशन भी है, रिफ्लेक्ट भी है, मीन्स ऑल ऑफ दीज। तो सारे इसके आंसर्स रहेंगे, ठीक है, तीनों ही हम कर सकते हैं इसके अंदर। डैश इज एन एग्जाम्पल फॉर नेविगेशन टूल, इनमें से कौन सा टूल है जो कि नेविगेशन के लिए यूज किया जाता है? मीन्स कि उस पेज को आप एडजस्ट कर सकते हैं, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम मूव कर सकते हैं, तो वो है हैंड टूल, इसकी मदद से आप नेविगेट कर सकते हैं। डैश ड्रॉ अ लाइन थ्रू द मिडल ऑफ द टेक्स्ट, यानी मिडल ऑफ जो टेक्स्ट होता है, अगर हमें लाइन देनी है किसी भी टेक्स्ट के मिडल पे, तो किसके थ्रू दोगे आप? स्ट्राइक थ्रू के थ्रू दोगे आप। तो स्ट्राइक थ्रू मीन्स हो गया कि बीच में लाइन आ जाएगी। टेक्स्ट और इमेज दैट अपीयर एट बॉटम ऑफ एवरी पेज इज कॉल्ड, यानी अगर हमें हर एक पेज के बॉटम पे कुछ भी लाइक इमेज लगाना है या टेक्स्ट लगाना है तो किसके थ्रू लगाओगे? फूटर सेक्शन के थ्रू आप लगा सकते हैं। ओके, डैश ऑप्शन इज यूज टू क्रिएट अ लार्ज कैपिटल लेटर फॉर द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ अ पैराग्राफ, अगर हमें पैराग्राफ में फर्स्ट पैराग्राफ का, फर्स्ट सेंटेंस का, फर्स्ट वर्ड का, फर्स्ट लेटर का कैपिटल करना हो तो आप किसकी मदद से कर सकते हैं? ड्रॉप कैप, ठीक है, तो ड्रॉप कैप से आप जो उसको बड़ा कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है, डैश कैन बी इंसर्टेड इन मास्टर पेज, यानी अगर हमें मास्टर पेज में इंसर्ट करना हो जैसे कि फुटर, हेडर, पेज नंबर, क्या हम ये ऐड कर सकते हैं? सो इसका रहेगा ऑल ऑफ दीज, यानी कि हम तीनों ऐड कर सकते हैं, हेडर भी, फुटर भी और पेज नंबर। द शॉर्टकट की टू मेक द टेक्स्ट बोल्ड इज डैश, यानी अगर हमें टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो इसमें से कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे आप? कंट्रोल शिफ्ट भी, जिससे आप कंटेंट जो है वो बोल्ड हो जाएगा। डैश कमांड लेट यू टू कैंसल योर लास्ट ऑपरेशन, अगर आपने लास्ट जो भी किया उसको कैंसिल करना, मीन्स आपको बैक जाना है, ऑब्वियस सी बात है, अंडू, जिससे कि आप बैक जा सकते हैं। शॉर्टकट की टू ऐड न्यू पेज इन डिजाइन, अगर हमें इन डिजाइन के अंदर न्यू पेज ऐड करना है तो उसका शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल शिफ्ट प्लस पी, इससे आप नया पेज ऐड कर सकते हैं। द डिफॉल्ट कलर ऑफ हाइपरलिंक इज, यानी इन डिजाइन के अंदर जब आप हाइपरलिंक करते हैं, मतलब फाइल को लिंक करते हैं, तो उस समय कौन सा कलर बाय डिफॉल्ट आता है? ब्लू। ओके, द एलिप्स टूल इज यूज टू ड्रॉ, यानी एलिप्स टूल जो होता है इसका बेसिकली किस लिए यूज किया जाता है? हम उसमें दोनों कर सकते हैं, एलिप्स भी बना सकते हैं एंड सर्कल बना सकते हैं। तो करेक्ट आंसर इज एलिप्स एंड सर्कल। द डैश बैलेंस ऑप्टिकल स्पेस बिटवीन लेटर, यानी कि अगर हमें स्पेस एडजस्ट करना है लेटर्स के बीच का, यानी वो मैनेज करना है, एडजस्ट करना है, तो क्या करोगे आप? कर्निंग। कर्निंग से क्या होता है कि आप एडजस्ट कर सकते हैं दो लेटर्स के बीच का स्पेस किसी भी वर्ड का, अल्फाबेट का। डैश इफेक्ट यूज टू इफेक्ट टू सॉफ्टन द एरिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय फेडिंग देम टू ट्रांसपेरेंट, अगर हमें किसी भी इफेक्ट में, लाइक वो कौन सा इफेक्ट है जिसके थ्रू आप सॉफ्ट कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं,
तो कौन सा ऑप्शन है वो? ग्रेडियंट फैदर। एक तो नॉर्मल ग्रेडियंट होता है जिससे कि आप मल्टी कलर फिल कर सकते हैं, और ग्रेडियंट फैदर से क्या होता है कि आप उसको पर्टिकुलर साइड से सॉफ्ट कर सकते हैं, ओके, यानी ट्रांसपेरेंट टाइप में दिखा सकते हैं। द ग्रेडियंट टूल यूज टू फिल फ्रॉम स्टार्टिंग टू द एंड इन अ स्ट्रेट लाइन इन डिजाइन। अगर हमें क्या करना है, कोई ग्रेडियंट टूल यूज करना है जो कि हमें बिल्कुल स्ट्रेट लाइन की तरह यूज करना है, स्ट्रेट है बिल्कुल ये, तो उसमें कौन सा आपका टाइप रहेगा, कौन सा स्टाइल यूज करोगे, ये सारे ही आपके रेडियल है, रेडियल रिफ्लेक्टिव टाइप्स है ग्रेडियंट के। तो अगर हमें बिल्कुल स्ट्रेट देना है यानी स्ट्रेट लाइन, तो उसके लिए आप क्या करोगे, लीनियर यूज करोगे, ओके। सो लीनियर इज द करेक्ट आंसर। एडोब इन डिजाइन वॉज डेवलप इन ईयर, तो इन डिजाइन जो है वो किस ईयर में डेवलप किया गया है, 1999 के अंदर डेवलप किया गया है। डॉक्यूमेंट्स एंड फाइल्स कैन बी क्रिएटेड एंड मैनिपुलेटेड यूजिंग, यानी डॉक्यूमेंट्स को हम किस में क्रिएट कर सकते हैं और मैनिपुलेट मतलब उसको यूज कर सकते हैं, किस मतलब जो भी आप वर्ड बनाते हैं इन डिजाइन में, जो भी आप काम करते हैं उसको किस उसमें करते हो, तो मेन होता है वर्क स्पेस होता है जिसके अंदर आप वर्क फ्लो करते हैं, काम करते हैं, उसको वर्क स्पेस बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द पैनल इन इन डिजाइन यूजर इंटरफेस, यानी कि मेन जो इन इन डिजाइन का जो यूजर इंटरफेस होता है उसमें कौन कौन से पैनल्स होते हैं, तो उसमें एप्लीकेशन बार भी होता है, कंट्रोल पैनल भी होता है, डॉक्यूमेंट लेआउट भी होता है। तो करेक्ट आंसर इज अ ऑल ऑफ दीज, मतलब ये होता है इसमें, ठीक है, ऑल ऑफ दीज में तीनों ही होंगे बेसिकली। प्रिंटिंग प्रेस डू नॉट कट आउट द आउटसाइड पार्ट ऑफ सो डैश सो वी सेंड देम द आउटसाइड द मार्जिन, यानी पेज के जो बाहर का एरिया होता है उसको क्या बोलते हैं, ब्लिट्स, जो कि कटिंग में यूज होता है। चेंजेस टू द डैश अफेक्ट द एंटायर डॉक्यूमेंट विच रिप्रेजेंट द डॉक्यूमेंट मेन लेआउट, तो हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है, और वो अफेक्ट मतलब हम चेंज करेंगे बट वो अफेक्ट करेगा एंटायर डॉक्यूमेंट में, यानी कि हम जिसमें चेंज करेंगे उसी में नहीं, आप जिसमें अगर चेंज करते हैं तो सब में होता होना चाहिए वो, तो उस ऑप्शन का क्या नाम है, मास्टर पेज होता है, जैसे मास्टर की होता है वैसे मास्टर पेज है, यानी आप एक में चेंज करेंगे तो जहाँ जहाँ आपने ये मास्टर पेज यूज किया होगा वहाँ वहाँ ऑटोमेटिकली वो अफेक्ट करेगा, चेंज करेगा। When using a Windows computer, we can open the story editor by pressing dash together navigation to the admin panel. यानी अगर हमें story editor में changes करना है, ठीक है, तो किसके थ्रू करोगे, control plus Y है, इसके थ्रू आप चेंज कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट कैन बी अरेंज मोर प्रेसिसली बाय यूजिंग, यानी ऑब्जेक्ट को हम कैसे अरेंज कर सकते हैं प्रॉपरली, तो उसके लिए रहेगा लेयर है उसको, अगर लेयर वाइज बनाएंगे तो और अच्छे तरीके से आप अरेंज कर सकते हैं उसको। Which panel is used to adjust the transparency of an object in Adobe InDesign? यानी कौन सा पैनल है जिससे हम उसको ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट के अंदर, तो इफेक्ट पैनल के अंदर आप जो है उसमें ट्रांसपेरेंसी दिखा सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट में। Which tool is used to crop an image in InDesign? यानी क्रॉप करने के लिए हमें क्या यूज करना है, सिंपल क्रॉप टूल। Which option is used to add page numbers to a document in Adobe InDesign? अगर हमें InDesign के अंदर सभी पेजेस के अंदर पेज नंबर ऐड करना है तो किस ऑप्शन की मदद से करोगे, मास्टर पेज के थ्रू आप सब पे पेज नंबर ऐड कर सकते हैं। विच पैनल इज यूज्ड टू एडजस्ट द मोर देन टू कलर एंड ट्रांसपेरेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड एडोब इनडिजाइन, तो किस पैनल से जो है आप दो कलर या उससे ज्यादा ट्रांसपेरेंसी वगैरह जो एडजस्ट कर सकते हैं, ऑब्वियस ग्रेडियंट पैनल से। विच ऑप्शन इज यूज्ड टू ऐड बुलेट और नंबरिंग टू अ टेक्स्ट इन एडोब इनडिजाइन, तो बुलेट एंड नंबरिंग हमें कैसे ऐड करना होता है, बुलेट्स एंड नंबरिंग की मदद से हम बुलेट्स एंड नंबरिंग ऐड कर सकते हैं। विच पैनल इज यूज्ड टू मैनेज एंड ऑर्गेनाइज स्टाइल इन एडोब इनडिजाइन, तो किस पैनल की मदद से आप जो है स्टाइल्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, तो वो होता है हमारा पैराग्राफ स्टाइल पैनल, जिसके थ्रू आप डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स बना करके उसको यूज कर सकते हैं। विच ऑप्शन इज यूज्ड टू ऐड अ ड्रॉप शैडो इफेक्ट टू एन ऑब्जेक्ट इन एडोब इनडिजाइन, अगर हमें ड्रॉप शैडो इफेक्ट देना है तो इनमें से किस ऑप्शन का यूज करेंगे, इफेक्ट का, इफेक्ट के अंदर आएगा ड्रॉप शैडो सेक्शन। विच पैनल इज यूज्ड टू एडजस्ट द आउटलाइन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन एडोब इनडिजाइन, अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट का लाइक आउटलाइन एडजस्ट करना है ऑब्जेक्ट का, तो कौन सा पैनल यूज करोगे, स्ट्रोक पैनल, स्ट्रोक पैनल से जो है आप उसका आउटलाइन एडजस्ट कर सकते हैं या दे सकते हैं, हटा सकते हैं। विच टूल इज यूज टू एडजस्ट द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन एडोब इनडिजाइन, यानी हम किस टूल की मदद से एडजस्ट कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजिशनिंग, ठीक है, यानी कि पोजिशनिंग उसकी एडजस्ट करना है, मींस सेंटर पॉइंट को, या आप कह सकते हैं कि पूरे ऑब्जेक्ट को कहीं भी आप पोजिशन का मतलब होता है मूव करना, तो अब इसी बात है वो सिलेक्शन टूल के थ्रू आप कर सकते हैं। विच ऑप्शन इज यूज टू एड अ हाइपर लिंक टू अ टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट इन एडोब इनडिजाइन, तो
किस ऑप्शन की मदद से आप हाइपरलिंक जो है वो दे सकते हैं, यानी किसी पे भी आपको फाइल लिंक करना हो तो किसकी मदद से देंगे, हाइपरलिंक पैनल के थ्रू आप लिंक क्रिएट कर सकते हैं, नॉट अ लिंक पैनल, ठीक है, ये नहीं रहेगा, कंफ्यूज मत होना। दिस टूल इज यूज टू सेलेक्ट एंड मूव अ सिंगल एंकर पॉइंट इन एडोब इनडिजाइन। तो हमें क्या करना है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का एंकर पॉइंट चेंज करना है, तो वो कैसे पॉसिबल है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से, वो ही आप उसी हिसाब चेंज कर सकते हैं। विस टूल इज यूज टू क्रिएट अ पाथ फॉर अ टेक्स्ट, अगर आपको टेक्स्ट के ऊपर पाथ बनाना है या रैंडमली पाथ बनाना है तो किस टूल की मदद से, पेन टूल से जो है आप पाथ क्रिएट कर सकते हैं, मीन्स लाइन क्रिएट कर सकते हैं। विच ऑप्शन इज यूज टू एडजस्ट द लीडिंग ऑफ अ टेक्स्ट इन एडोब इनडिजाइन। लीडिंग का मतलब होता है स्पेस बिटवीन लाइन, आपको अगर वो एडजस्ट करना हो इनडिजाइन में तो उसके लिए कहाँ पे ऑप्शन आएगा, पैराग्राफ स्टाइल के अंदर आएगा, ध्यान रखना, ओके, लीडिंग स्पेस बिटवीन लाइन एडजस्ट करने के लिए। विच पैनल इज यूज टू मैनेज एंड ऑर्गेनाइज कलर इन एडोब इनडिजाइन, यानी कि अगर हमें क्या करना है, मैनेज करना है, ऑर्गेनाइज करना है किसको, कलर्स को अंदर, तो कौन सा पैनल यूज करोगे, स्वेचेस पैनल के अंदर मल्टीपल कलर्स होते हैं जिसके थ्रू आप उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। शॉर्टकट की मीन्स कंट्रोल जीरो रिप्रेजेंट टू विच व्यू कमांड, कंट्रोल जीरो जो होता है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, इससे क्या होता है, तो कंट्रोल जीरो अगर आप करेंगे तो आपका फिट पेज टू विंडो आएगा, ठीक है, और कंट्रोल वन करते हैं तो एक्चुअल साइज आएगा, तो कंट्रोल जीरो मीन्स फिट पेज टू विंडो। एक्स एंड वाई रिप्रेजेंट टू, तो इन डिजाइन में एक्स और वाई जो होता है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, पोजिशनिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट की पोजिशनिंग को बताता है। बुक्स इंडेक्स पेज कैन बी मेड विद द हेल्प ऑफ, अगर हमें बुक बनाना, बुक का इंडेक्स बनाना है किसी भी बुक का, तो वो कैसे बनाएंगे आप, टेबल ऑफ कंटेंट के थ्रू ऑटोमेटिकली बन जाएगा। एक होता है मैनुअली, मैनुअली में आपको लिखना पड़ेगा, टेबल ऑफ कंटेंट में ऑटोमेटिकली क्रिएट होगा बशर्ते आपने उस पर स्टाइल यूज किया होगा तो, ओके। द स्पेशल सिंबल कम बाय विच कमांड, अगर आपको स्पेशल सिंबल यूज करना है तो इसमें से किस कमांड का यूज करेंगे, ग्लिप्स के थ्रू आप स्पेशल कैरेक्टर यूज कर सकते हैं या स्पेशल लाइक सिंबल मार्क्स वगैरह यूज कर सकते हैं, ओके। फ्रेंसी बेवल इंसर्ट इनवर्स राउंडेड कम अंडर विच कमांड ऑफ द एडोब इनडिजाइन, यानी आपको फैंसी यूज करना है, बेवल्स यूज करना है, इंसर्ट, तो ये किस ऑप्शन के अंदर आपको मिलेंगे अगर आप इनमें से देते हैं, तो ये सारे जो ऑप्शन देखा जाए तो कॉर्नर ऑप्शन का पार्ट है, ये कॉर्नर पे हम दे सकते हैं, तो कॉर्नर ऑप्शन के थ्रू आप ये दे सकते हैं, दैट इज आंसर। शॉर्टकट ऑफ पेज पैनल इन एडोब इनडिजाइन, अगर हमें पेज पैनल ओपन करना हो इनडिजाइन में तो उसका क्या शॉर्टकट की है, F12, उससे आप पेज पैनल ओपन कर सकते हैं और फिर एडजस्ट कर सकते हैं। व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ एडोब इनडिजाइन, एडोब इनडिजाइन का एक्सटेंशन क्या होता है, INDD, यानी कि इन डिजाइन डॉक्यूमेंट। इंक्रीज द फॉन्ट साइज इन इन डिजाइन, अगर आपको इनडिजाइन के अंदर फॉन्ट साइज इंक्रीज करना है तो क्या होता है, कंट्रोल से ग्रेटर देन, डिक्रीज करना है तो लेस देन। व्हाट इज अ टेक्स रैप्स, टेक्स रैप क्या है, टेक्स रैप्स का मतलब होता है कि आप अगर कोई टेक्स लिखा है उसके अंदर आपने कोई इमेज या कोई शेप लगाया है, तो जैसे ही आप टेक्स रैप यूज करते हैं शेप को या इमेज को सेलेक्ट करके, तो ऑटोमेटिकली वो उसके अंदर एडजस्ट हो जाता है, यानी सराउंड अ पिक्चर विद टेक्स, तो टेक्स के साथ वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है, लेकिन हम नॉर्मली रखते हैं तो क्या होता है कि उसके ऊपर आता है शेप, टेक्स्ट हाइड हो जाता है, लेकिन रैप करने से टेक्स्ट ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू पिक्चर या अकॉर्डिंग टू शेप, तो सराउंड अ पिक्चर विद टेक्स्ट, दैट इज द करेक्ट आंसर। सो आई होप सो आपको ये इजिली समझ में आ गए होंगे, तो आज की क्लास में इतना, बाकी नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ इंटरेस्टिंग MCQs के वीडियोस लेके आएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।